जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जब तक भगवान की ओर मुख नहीं हो जाता तब तक यथार्थ में सुख एवं सुविधाएं नहीं मिल सकती। यही मनुष्य भूल करता है। सुख और सुविधाएं चाहता है, पर चाहता है भगवान की ओर पीठ करके। यह याद कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर भजन का अभ्यास अवश्य करें। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण, नाम का जप। स्मरण न हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम के द्वारा असंभव संभव होता है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर नाम जप अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय भगवान की प्रार्थना के लिए भी नियत होना चाहिए। भगवान की प्रार्थना में, भगवान की स्तुति में बड़ा बल है। भगवान के स्तवन से भगवान के गुणों की स्मृति होती है। भगवान के स्तवन में सबसे पहली चीज है भगवान पर अटल विश्वास। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान से प्रार्थना करें और मांगें, प्रभु आज समस्त दिन आपके अनुकूलता में ही बीते। सर्वोत्तम काम है दिन रात भजन करना। यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1,00,000 नाम जप नहीं सही, 50,000 नाम जप तो बहुत आसानी से कर सकता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम छूटना कठिन हो जाता है। भजन स्मरण में रस आ जाने पर यदि कभी क्षण भर भी भगवान की विस्मृति होती है तो महान व्याकुलता होती है। निरंतर भजन का अभ्यास नहीं हो जाने तक नियम पूर्वक भजन करने की आवश्यकता है। नाम की पूंजी खरी पूंजी है। यह जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं है। संकेत से, परिहास से भी यदि भगवान का नाम जीभ पर आ गया तो सब पाप चले जाते हैं। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। इस कलयुग में भगवान के नाम लेने वाले तथा दूसरे से लिवाने वाले अत्यंत भाग्यवान हैं। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणित हो जाए। कलयुग में और सब दोष ही दोष हैं, पर एक महान गुण है, वह यह है कि इस युग में भगवान के नाम कीर्तन से ही परम कल्याण हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जाके बदन ते धोके हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन की चाम। धन्य है इस नाम प्रेम को। समस्त विश्व भगवान का नाटक है, खेल है। भगवान के इस खेल में सभी रस होने चाहिए। सारी किताब को पढ़ने के लिए एक एक पन्ना उलटना ही पड़ेगा। एक ही उलटने के बाद दूसरा पन्ना सामने आएगा। यह जीवन भी भगवान की लीला रूप किताब का एक पन्ना है। इस जीवन का नाश पन्ना उलटना मात्र है। दूसरा जीवन, दूसरी लीला सामने आने के लिए ही यह पन्ना उलटना है, अर्थात जीवन बदलना है। एक रस भगवान कभी पलटते नहीं। प्रकृति में तो हेर फेर होता ही रहेगा। संसार में भगवान और उनकी लीला को देखोगे तो सदा परम सुख, परम आनंद ही सर्वत्र दिखेगा। पर उनको एवं उनकी लीलाओं को न देखकर बदलते हुए दृश्यों को ही केवल देखोगे तो यह संसार तुम्हारे लिए दुखालय है। तुम्हें विनाश ही विनाश, दुख ही दुख दिखेगा, दुख ही दुख दिखेगा। मन की गंदगी को साफ करने के उपाय। पहला है भगवान के नाम का जप। दूसरा, स्वाध्याय एवं सत्संग के द्वारा अच्छी बातों को मन में भरना। और तीसरा, दूसरों का दोष देखना सर्वथा छोड़ देना। सर्वथा न छोड़ सके तो जहाँ तक हो कम से कम दोष दिखें ऐसा प्रयत्न करना। देखा देखी बुरे आचरणों को लोग अपना लेते हैं,
वैसे ही यदि तुम शुभ आचरण करना आरंभ करोगे तो उसे भी लोग देखा देखी करने लग जाएंगे। अतः स्वयं शुभ का आचरण पहले करना आरंभ कर दो, फिर शुभ का विस्तार होगा। भगवान को भूल जाने का परिणाम कितना बुरा है इसका अभी हमें पता नहीं है। यहाँ से जब चले जाएंगे पापों का ढेर साथ लेकर, तब वहाँ यातना देह पाकर नरक की यंत्रणा भोगनी पड़ेगी, तब पता लगेगा। हमें दूसरे कामों के लिए समय मिल जाता है पर भजन के लिए नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि भगवान का भजन, भगवान की सेवा हमारे लिए बहुत ही कम महत्व की वस्तु हो गई है। जब तक शरीर ठीक है, इंद्रियां ठीक ठाक काम कर रही हैं, तभी तक मन को भजन में लगाने का अभ्यास कर लो। शरीर बीमार हो जाने पर इंद्रियों की शक्तियां क्षीण हो जाने पर मन को भजन में लगाने का अभ्यास करना बड़ा ही कठिन है। इंद्रियों को बुरे कर्म में लग जाने के बहुत से साधन प्राप्त होते रहते हैं। मनुष्य यदि सावधान रहे तो बच सकता है। स्वयं सावधान रहने पर भगवान की सहायता तो मिलती ही है, भगवान की सहायता तो मिलती ही है। भगवान का नाम महान महिमा में है। नाम और नामी में वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है। जिसकी जीभ और चित्त वृत्ति भगवान नाम में लगी है वही साधु है, उसका जीवन धन्य है, उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। भगवान के नाम कीर्तन से केवल पाप का नाश नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों ने अनेकों प्रायश्चित बतलाए हैं। नाम का फल तो है पंचम पुरुषार्थ, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषंगिक फल मात्र हैं। जैसे सूर्य का उदय होने पर प्रकाश होता ही है, ऐसे नाम लेने पर पाप का नाश तो होता ही है, पाप का नाश तो होता ही है। जय श्री राधे। जय